बड़ों की तरह बच्चों में भी नाक से खून बहने की समस्या होती है। ये समस्या गर्मी के दिनों में ज़्यादा देखने को मिलती है। गर्मी के दिनों में ड्राई मौसम के कारण ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से नेजल पैसेज में ड्राइनेस बढ़ जाती है और इसी वजह से नाक से खून बहने लगता है। लेकिन ये समस्या आजकल बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिल रही है, तो इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, चलिए आज के वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आप सभी के साथ कृतिका और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। देखिए, डिहाइड्रेशन के कारण भी नाक से खून बहने की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे को किसी तरह की कोई नेजल एलर्जी है तो भी उसे नाक से खून बहने की समस्या हो जाती है। दरअसल नाक से खून बहने की समस्या को रोकने के लिए कुछ आसान टिप्स बताए गए हैं, जिन्हें आप गर्मियों के मौसम में फॉलो कर सकते हैं। नाक से खून आने की समस्या को दूर करने के लिए हाइड्रेशन का ख्याल रखें। बच्चे को समय समय पर पानी पीने के लिए देते रहें। नाक के आसपास के हिस्से को ड्राई ना होने दें, इससे नोज ब्लीडिंग की समस्या से बचाव हो सकता है। अगर बच्चे को बाहर लेकर जा रहे हैं तो उसे धूप और गर्मी से बचाने के लिए छाता या टोपी रखें। साथ ही बच्चे को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर न जाने दें। इस समय धूप थोड़ी सी तेज होती है। वहीं नोज ड्राइनेस से बचाव के लिए बच्चे की नाक के आसपास तेल लगाएं, ताकि ड्राइनेस को कम किया जा सके। गर्मी के दिनों में बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खिलाएं, इससे शरीर में नमी बनी रहेगी और नोज ब्लीडिंग से बचाव होगा। साथ ही नाक से खून निकलने की समस्या से बच्चे को बचाने के लिए उसे सिगरेट के धुएं, तेज़ खुशबू और हवा प्रदूषण कणों से भी दूर रखें। वैसे गर्मी के दिनों में बच्चों को नाक से खून बहने की समस्या से बचाना चाहते हैं तो उसे सीजनल एलर्जी से बचाएं। एलर्जी के कारण बच्चों को सर्दी जुकाम हो सकता है। ऐसे में बार बार नाक से पानी बहता है और बार बार नाक साफ करने के कारण कई बार नाक के अंदर की स्किन फट जाती है, जिसके कारण नाक से खून निकलने लगता है। ऐसे में बच्चे को एलर्जी से बचाएं। एलर्जी से बचाने के लिए बच्चे की इम्यूनिटी मजबूत होनी चाहिए। साथ ही इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए आप बच्चे को हेल्दी डाइट ज़रूर दें। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।